आसमान में एक साथ एक दो तीन नहीं बल्कि पांच अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स। लेकिन क्यों, क्या वजह है, क्या कोई बड़ा ऑपरेशन होने वाला है? ये देखिए, हेलीकॉप्टर्स उतरते हैं, हेलीकॉप्टर्स जैसे ही लैंड करते हैं उनसे उतरते हैं खतरनाक कमांडोज। जैसे ही ये सेना के जवान हेलीकॉप्टर से उतरते हैं ये तुरंत ही पोजीशन ले लेते हैं। एक दो तीन चार पांच जितने भी आप सेना के जवान को देखेंगे सब तैयार हैं और सब ने पोजीशन ले लिया है। एमहॉक हेलीकॉप्टर ने उन्हें उनके स्थान पर पहुंचा दिया है और अब वो उड़ान भर चुका है। अब जवान अपने एक्शन के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो किसी जंग की नहीं है बल्कि उस मिलिट्री एक्सरसाइज की है जो साउथ कोरिया और अमेरिकी सेना साथ मिलकर कर रही है। कि कैसे टैक्टिकल ऑपरेशंस में एक साथ मिलकर काम किया जाए, कैसे एक दूसरे को ज्यादा बेहतर युद्ध कौशल सिखाया जाए, इसको लेकर लगातार काम हो रहा है। और उसी दौरान अमेरिका के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स ने जब लैंडिंग की तो हड़कंप मच गया। एक साथ पांच हेलीकॉप्टर से दर्जनों जवान जब बाहर निकले तो उनके हाथों में सबसे आधुनिक बंदूकें थी और सारे जवान अपने टारगेट्स को लॉक करके बिल्कुल तैयार थे। यहां पर अलग अलग तरह की बंदूकों का परीक्षण हुआ, एक दूसरे के साथ उन तमाम चीजों को साझा किया गया जिनका इस्तेमाल आज के दौर में सेनाएं कर रही हैं। यानी टेक्नोलॉजी के साथ साथ कौशल का भी यहां पर आदान प्रदान हुआ। साथ ही दोनों देशों की सेनाओं में इस युद्धाभ्यास को लेकर काफी उत्साह भी दिखा। अब आइए एक चीज और आपको समझाते हैं। इस युद्धाभ्यास के दौरान एक अमेरिकी सैनिक के पीठ पर एक खास तरह का मिसाइल लॉन्चर देखा गया। ये वही मिसाइल लॉन्चर है जो रूस के छक्के छुड़ा रहा है, ये वही मिसाइल लॉन्चर है जो हाल ही में भारत आया था, ये वही मिसाइल लॉन्चर है जिसे यूक्रेन को ब्रिटेन ने दिया है। आपको बता दें कि इस वक्त युद्धाभ्यास के दौरान इस खास मिसाइल लॉन्चर का भी परीक्षण किया गया। यहाँ पर इसकी फायरिंग कैपेसिटी को दिखाया गया। ये है स्वीडन का बनाया हुआ एनलॉ, जो कि साउथ कोरिया और अमेरिकी युद्धाभ्यास के दौरान जो है वो सैनिकों को उसे दिखाया गया।